नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज मैंगो मिल्क शेक बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने दो मैंगो ले लिया है और एक लीटर लगभग दूध है, ये एक लीटर से थोड़ा कम है, और साथ में चीनी चाहिए हमें उसके लिए। कुछ ड्राई फ्रूट हैं और टूटी फ्रूटी है जिसे हम गार्निश करेंगे मैंगो शेक बनने के बाद। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंगो को छील लेते हैं। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए बादाम मैंगो बहुत अच्छा होता है उसके लिए, और हमें पका ही बादाम मैंगो लेना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैंगो मिल्क शेक का। तो इसे छील लेते हैं सबसे पहले। छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। इसी तरह से दोनों मैंगो को हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे, जिससे मिक्सर में पीसते समय आसानी से वो पीस जाए। मैंने सारे पीस के ले लिए हैं एक बर्तन में, और एक मिक्सर जार लेते हैं, शेक बनाने वाला जार। तो उसमें हम सारे अपने मैंगो को डाल लेंगे। उसमें सारे डाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, चीनी डाल देंगे उसमें अपने पसंद के हिसाब से, जैसा जिसको मीठा पसंद हो शेक पीना। चीनी भी डाल देंगे साथ में, चीनी थोड़ा दूध भी डालेंगे, दूध पूरा हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल मिक्सर में पीस जाने के बाद ही हम दोबारा दूध उसमें ऐड करेंगे। अब ढक्कन लगा देते हैं जार में और इसे पीस लेते हैं। मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार है मेरा। गिलासों में हम बर्फ़ डाल लेते हैं। वैसे दूध हमारा एकदम ठंडा था, मैंने फ्रीज में ही रखा था। गिलास में डालते हैं अपने मैंगो मिल्क शेक को। मैंगो मिल्क शेक आप अपने पसंद के हिसाब से बनाइए, पतला गाढ़ा जैसा आपको पीना पसंद हो। मैंने गिलास में ले लिया है मैंगो शेक को, और अब क्या करते हैं, टूटी फ्रूटी से इसको गार्निश करते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं। साथ ही बादाम से भी गार्निश कर देते हैं इसे। मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार है मेरा सर्व करने के लिए, जो बनाना ही बहुत ही आसान होता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है पीने में। सभी को पसंद आने वाला मिल्क शेक है, और इसी तरह से आप भी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।